आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर में एक और शातिर बदमाश शहजादा कैंट पुलिस से मुठभेड़ में हुआ घायल। महानगर के धर्मशाला बाजार में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा NDA अभियान का किया गया शुभारंभ। गोरखपुर जिला महिला अस्पताल परिसर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। और अमेरिका में गिरफ्तार हरकेश की रिहाई के लिए बेबस पिता लगा रहा है अधिकारियों के चक्कर। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर पुलिस को आज दोहरी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दो दिनों पूर्व अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल और चेन स्नेचिंग करने वाले दो लुटेरों में से एक को जहां मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं उसके फरार साथी को भी चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर उसके पास से लूटी गई मोबाइल और चेन बरामद कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से असलहा कारतूस भी बरामद किया। इस बारे में जानकारी देते हुए SSP विपिन तांडा ने बताया कि ये लोग सुबह सवेरे टहलने कोचिंग स्कूल जाने वाले बच्चों से मोबाइल और चेन छीन लिया करते थे। पुलिस को इनकी सरगर्मी से तलाश थी। जी, इसमें थाना कोतवाली और थाना कैंट में 10 तारीख की सुबह एक चेन स्नैचिंग की और एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिस पर कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों थानों की टीमें CO कोतवाली, CO कैंट और SP सिटी के नेतृत्व में लगी थी। इसमें पुलिस ने अच्छा कार्य करते हुए इन लोगों की शिनाख्त की और 48 घंटे के भीतर इनकी गिरफ्तारी की है। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्यवाही में शहजादे नाम का एक अभियुक्त जो थाना राजघाट का रहने वाला है वो घायल हुआ है। उसका एक साथी फरार हुआ था जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों बदमाशों से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि संभवतः चोरी की है, तमंचा बरामद हुआ है और जो लूटा गया मोबाइल था वो बरामद हुआ है। इसके अन्य साथियों की जाँच की जा रही है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और जो घायल अपराधी है वो पूर्व में 2 बार जेल जा चुका है और चोरी और लूट के कई मुकदमे उसके ऊपर हैं। आसपास के जनपदों के उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है, क्या उनका आपराधिक इतिहास है, इसकी तलाश की जा रही है। गोरखपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने धर्मशाला बाजार इलाके में अभियान चलाकर सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान टीम ने बुलडोजर से उन दीवारों को भी ध्वस्त कराया जो अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए थे। इस संबंध में स्थानीय पार्षद छठी लाल ने कहा कि दुकानदारों को पहले ही अभियान की जानकारी दी गई थी। जनसंपर्क करके सभी सम्मानित जनता को, व्यापारियों को अवगत करा दिया कि जो भी हमारी रोड से संबंधित है, नाले के बाहर है, वो लोग अंदर करा लें सामान। और उस तरह के हमारी सम्मानित जनता व्यापारीगण उसका भरपूर सहयोग किया। जो ज़्यादा अतिक्रमण लोग किए हैं, जो स्लेब है उसको तोड़ा गया है, इसमें हमारी सम्मानित जनता का बहुत बड़ा सहयोग है और हमारा भी सहयोग है और प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और प्रेम पूर्वक इसी तरह हम लोग
निभा रहे हैं। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा MDA अभियान का शुभारंभ किया गया। 12 मई से 27 मई तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने फाइलेरिया बचाव की दवा का सेवन कर किया। इस मौके पर CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा कि विश्व के 40% फाइलेरिया के मरीज भारत में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर दवा पिलाएगी। आज मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा एक प्रोग्राम था, ये इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें ये 12 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमारी आशा बहनें घर घर जा कर के सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन अपने सामने एल्बेंडाजॉल और DC की टैबलेट खिलाएंगी। जो व्यक्ति घर पर नहीं मिलेगा उसके घर संदेश छोड़ देंगी, उसको अगले दिन अपने घर बुलाएंगी खाने के लिए। अगर वो घर नहीं आएगा तो हमारी आशा बहनें पुनः जाकर घर खिलाएंगी। यह कार्यक्रम फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है। इसमें जो है 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माताएँ और अति गंभीर मरीज जो होंगे उनको नहीं खानी है, बाकी सब लोगों को दवा खाना अनिवार्य है। और 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल और 1 टैबलेट DC खानी है। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक 2 टैबलेट हमारी DC की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खानी है। और 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को 3 टैबलेट DC की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खाना है। इस दवा को सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया और डिप्टी CM माननीय ब्रजेश पाठक जी ने सेवन किया। गोरखपुर जनपद में मैंने सर्वप्रथम सेवन किया, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी खाए, जनपद के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने खाया है। और यह दवा पूरी तरह से जांची परखी और सुरक्षित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करता हूँ, सभी लोग इस दवा का 100% उपयोग कीजिए। यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और फाइलेरिया मुक्त उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और भारत बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाले फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में गोरखपुर के महिला जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सों ने फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस मौके पर CMS डॉक्टर NK श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान CMS ने नर्सों को गुलाब का फूल व पेन भी दिया। इस संबंध में CMS NK श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी बीमारी के समय नर्स का योगदान सबसे अधिक होता है। माननीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये वो महिला है जो 1820 में पैदा हुई, कोई नर्सिंग ट्रेनिंग इनके पास नहीं थी, लेकिन क्रीमिया वार में घायलों को देखा जब इन्होंने, तो युद्ध के बाद रात में एक लैंप लेके निकला करती थी, जितने भी घायल मिलते थे उनकी इन्होंने काफ़ी सेवा शुश्रूषा की और जिसकी वजह से उनको ये सम्मान दिया गया। उन्हीं के जन्म दिवस पे हमारे नर्सिंग कैडर की जितने नर्सिंग ऑफिसर थे वो इसको नर्सिंग डे के रूप में मनाती हैं। इंटरनेशनल मैराथन धावक का पिता बेटे को छुड़ाने के लिए लगा रहा है सरकारों से गुहार। दरअसल इंटरनेशनल मैराथन धावक हरिकेश मौर्य विगत 3 माह से अमेरिका की जेल में बंद है। हरिकेश के पिता विश्वनाथ मौर्य के मुताबिक हरिकेश ने मैराथन में कई मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया था और आगे की तैयारी के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन वहाँ कोरोना के कारण आर्थिक तंगी होने पर एक होटल में जॉब करने लगा। इसी बीच होटल में एक व्यक्ति 2 लड़कियों को लेकर पहुंचा। सुबह होने पर वो व्यक्ति भाग गया, लेकिन अचानक होटल में पुलिस की रेड पड़ गई और पुलिस ने उन लड़कियों के मामले में हरिकेश को गिरफ्तार कर लिया, जो एक साजिश का हिस्सा था। उन्होंने देश और प्रदेश की सरकार से हस्तक्षेप कर बेटे को छुड़ाने की मांग की। स्पोर्ट कोटे से और वहाँ जा करके जो है अपना ट्रेनिंग करता था, लेकिन कोरोना काल जब आया तो परेशानी होने लगी उसको, पैसे की हर तरह से काम बंद हो गया था, तो इसलिए मजबूरी में होटल में काम करने लगा। और होटल में काम करने के बाद जो है एक दिन का शाम का घटना है कि यह जो है उस समय ड्यूटी में नहीं था, इसकी ड्यूटी दिन में थी और
एक आदमी कहीं से दो लड़कियों को भगा कर लाया और उस होटल में उन लोगों को छोड़कर भाग गया। और यह जब सुबह हमारा लड़का उठा गया, देखा पूछा, तो लड़कियां बोलने लगी हमारा अंकल लेकर आए हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद जो है पुलिस का जो है वहाँ छापा पड़ता है, और जब पुलिस का छापा पड़ता है तो उन्होंने बताया कि आप लड़की जो है भगा करके ला करके आप अपने यहाँ शरण दिए हुए हैं। और उसी मामले में जो है 17 फरवरी 2022 को ही तभी से ले जा करके जेल में बंद कर दिया। जनपद के दक्षिणांचल में स्थित तहसील गोला मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला की स्थिति अजीबो गरीब बन चुकी है। अस्पताल पर विगत कई वर्षों से विशेषज्ञ का पता नहीं है। हमें यहाँ पर तैनात अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह व स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर नीतू चंद्रा का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण सीएससी गोला पर तैनात मात्र एक दंत चिकित्सक के हवाले है यह अस्पताल। चिल्वा स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात 3 चिकित्सक सीएससी गोला की ओपीडी और इलाज की व्यवस्था देख रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा संस्थान की तरफ से आगामी 15 मई से 4 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। महानगर के आर्य नगर इलाके में स्थित एक स्कूल में आयोजित होने वाले इस कैंप में 8 तक के बच्चों को 2 ग्रुपों में बांटकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बात की जानकारी बाल स्वर पत्रिका के प्रबंध संपादक नंदू मिश्रा ने दी। लगभग 25 वर्षों से अनवरत बाल स्वर सेवा संस्थान के तत्वावधान में समर कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15 मई 2022 से फिर पुनः बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है, जो 4 जून तक चलेगा। इसमें 2 वर्ग में बांटा गया है। ए वर्ग जो है वो कक्षा 5 तक के बच्चों का है, बी वर्ग जो है कक्षा 8 तक के बच्चों का है। और ये बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, बच्चों के गर्मी की छुट्टी बहुत अच्छे से बीते, इसलिए ये बाल स्वर सेवा संस्थान बच्चों के लिए समर्पित भाव से ही करता है। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में ये कैंप शुरू होगा 15 मई से और 4 जून तक चलेगा। 4 जून को इसका समापन होगा। उस समय बच्चों ने 15 दिन में क्या क्या सीखा उसका प्रदर्शन होगा और उसमें वो बच्चे पुरस्कृत किए जाएंगे। उनके तारामंडल इलाके में स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जिले के समस्त विकास खंडों के वीडियो एडियो तकनीकी सहायक और अभियंताओं की एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद भी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोगों को गांव में हो रहे विकास कार्य, कूड़ा प्रबंधन नीति, डोर टू डोर कलेक्शन सहित अन्य जानकारियां दी गई। इस संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि 380 गांव में कार्य के लिए धनराशि आई है, उस पर कैसे कार्य करना है इसकी जानकारी दी गई। कौन लेके जाएगा इसका भी हमें निर्धारण करने के लिए उसके प्लान करना पड़ेगा। आज सभी विकास खंड के बीडीओ एडीओ पंचायत हमारे जेई तकनीकी सहायक को 3 बिंदुओं के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की टीम भी यहां आई है। रोज प्रबंधन अवशिष्ट प्रबंधन जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, 380 गांव में इस साल हमें उसको करना है, जिसके लिए धनराशि शासन ने दिया है। और इसमें कूड़ा प्रबंधन की नीति, डोर टू डोर कलेक्शन, कैसे मटेरियल रिकवरी सेंटर बनेंगे और नालियों का निर्माण, सोक्रिट का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, कैसे प्लांटेशन होगा, कैसे तरल अपशिष्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये इसके बारे में होगा। अमृत सरोवर जो हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें जनपद में 200 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में तालाब आदर्श तालाब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, उसके लिए गति देने के लिए उनका प्रशिक्षण और उसकी समीक्षा आज की जा रही है। गोरखपुर के सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने औरंगाबाद में चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिया। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुख्य रूप से पानी की समस्या सामने आई, जिसके लिए जन निगम को कहा गया है, साथ ही सरकारी योजना के बारे में जानकारी दी गई। दूसरा, गुणवत्ता पूर्ण बने जो आपने खुद देखी, हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग कॉल करके बताएंगे कि क्वालिटी अच्छी है या गलत बन रही है तो उसको ठीक। में से जो पानी आ रहा है उसमें जो टाइम सुबह शाम करने को कहा गया वो मैंने जल निगम को बता दिया है, वो उनके एक्जन साहब उस पर एक्शन लेंगे, वो भी पूर्ण करा लिया जाएगा। यही मुख्यतः समस्या लोगों ने बताई थी जिनका हल किया गया है। और इसके अलावा जो हमारी जितनी सरकारी योजनाएं चल रही है उसको पढ़ के डिटेल उनके बारे में संबंधित विभाग द्वारा। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी है। भूमि पैमाइश के नाम पर 16,000 घूस लेने की
करतूत स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कैमरे में कैद होने की जानकारी मिलने पर डीएम ने हल्का लेखपाल प्रवीण शाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही लेखपाल प्रवीण शाही को निलंबित कर दिया गया है। जैसे आप जानते हैं कि माननीय शासन के मंशा अनुरूप जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति के अंतर्गत सभी सम्मानित नागरिकों को पारदर्शितापूर्वक सेवाएं उपलब्ध हों, इसी क्रम में सभी कार्यालयों को दुरुस्त करते हुए, पटलों को अद्यावधिक करते हुए पारदर्शितापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए, सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया गया था और इसको परखने के लिए लगातार सभी कार्यालयों का निरीक्षण, अनुश्रवण, समीक्षाएँ होती रही हैं और लगातार चलती रहेंगी और उसमें गोपनीय जांच रिकॉय ऑपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। इसी क्रम में तहसीलों का भी हम लोगों ने किया था और एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर द्वारा रिकॉय ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और उसमें लेखपाल प्रवीण शाही द्वारा पैमाइश के लिए उपभोक्ताओं से, लाभार्थियों से धन उगाही करते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पाए गए हैं। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट IPC धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सत्य घटना के आज कार्यक्रम में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।